गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ हाउ गुड। हाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस एडजस्ट करना कम प्रोजेक्टर से। Then, what is happening? तो कलम ने जो पढ़ा था, मैंने अगर अभी भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में भी पॉज हो गया बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इशू। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट करके बता देना। तो कलम ने गोल्ड रिजर्व्स के बारे में पढ़ा, सिल्वर के बारे में पढ़ा। सिल्वर में मैं आपको बता रहा था कि सिल्वर में शायद आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर की करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। रीजन ये था कि इंडिया में सिल्वर बहुत ही कम मिलता था और वो एक कॉस्टली अफेयर बन गया था इसके लिए। तो उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि बाद में फेल हो गया, क्योंकि करेंसी हम किससे बनाते हैं? प्रीसियस जो मेटल्स होते हैं उनसे हम करेंसी बनाते हैं। जैसे गोल्ड को बैकिंग रख के, जैसे अभी भी आपको पता होगा जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी RBI है, RBI क्या करती है, 115 करोड़ का जो गोल्ड है उसको रख के प्लस 75 करोड़ जो आपके पास होता है, लगभग 85 करोड़ समथिंग जो आपके पास है अदर करेंसीज को रख के, 200 करोड़ रुपए को रख के करेंसी को इशू करती है। तो गोल्ड अभी भी डिटरमाइनर बना हुआ है, उसी तरह से सिल्वर पहले डिटरमाइनर बनी हुई थी, शायद आपको पता होगा। इसकी वजह से उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया था। तो गोल्ड सिल्वर के बारे में पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नॉन मेटलिक रिसोर्सेज हैं, उसमें मैंने आपको माइका पढ़ाया था। कल माइका में मैंने आपको डिस्कस करा था कि झारखंड में जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, कोडरवा, और सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां पे मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। कल का रिवीजन लाइमस्टोन मैंने आपको बताया था, लाइमस्टोन का यूज हमने पढ़ाया था, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रिजर्व देखने को मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। पूरा का पूरा बेल्ट डोलोमाइट, अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता तो डोलोमाइट बोलते हैं, सेम टू सेम, लेकिन रिजर्व हमारे आउट हो जाते हैं, उड़ीसा में ये सारे चले जाते हैं, जहां पे मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है वहां पे डोलोमाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें एस्बेस्टॉस मैंने कल आपको पढ़ाया था, यूज कहां पे किया जाता है, शीट्स को बनाने में या थर्मल इक्विपमेंट्स को बनाने में, थर्मल ग्लव्स को बनाने में, प्रोटेक्टिव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसके रिजर्व्स मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था, इसकी ब्रिटलनेस के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा था, राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं। उसका हमने पढ़ा था देश का नमक कॉमन सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉमन सॉल्ट में मैं डिस्कस करा था कि ये जो सी सॉल्ट्स होते हैं, लगभग सी में 35 तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं, और इसमें से हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन होता है, NaCl जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि ये टेबल सॉल्ट होता है, हमेशा खा रहे होते हैं, अगर नहीं खाते तो गेटर नाम की जो बीमारी होती है, घेंगा रोग आपको हो जाता है। तो ये सारी की सारी बातें हमने याद करी, हमें पता चला कि कहां से मिलता है जो आपका नमक। नमक दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है रॉक सॉल्ट जो कि होता है चट्टानों से प्राप्त होने वाला, और दूसरा आपके पास होता है सी सॉल्ट। क्लियर, रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट आपके पास होता है। रॉक सॉल्ट हिमाचल प्रदेश में मंडी से आता है, और जो सी सॉल्ट होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक तो ओशियन से प्राप्त होता है और एक इनलैंड से आपके पास प्राप्त होता है, उसको आपको याद
याद रखना है। सी से प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा स्टेट जो आपके पास है वो गुजरात स्टेट है, और इनलैंड से प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान स्टेट है, ये आपको याद रखना था। कल यही पंचायत मैंने आपको पढ़ाई थी, जो दांडी यात्रा थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि साबरमती के आश्रम से दांडी तक इन्होंने यात्रा करी थी। हालांकि अगर इस मैप को देखोगे तो आराम से साबरमती से अगर आप ओशियंस में जाना चाहते तो तुरंत लगभग 150 किलोमीटर दूर साबरमती से ओशियन आपके पास है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि जो महात्मा गांधी का कैंपेन था ये मास अवेयरनेस को लेके था, इसलिए वो घूम घाम के ओशियन की कोस्ट पे गए थे कि काफी सारे लोग इससे जुड़ पाए। और ये काफी सारी बार पूछा जाता है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट करी गई थी, 12 मार्च को स्टार्ट करी गई थी और 6 अप्रैल को इसका पूरा काम हो गया, गांधी जी पहुंच गए, उसका दिन को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने का देहरादून जेल में डाल दिया गया। वो पूरी की पूरी स्टोरी आपने हिस्ट्री में पढ़नी है। अब इसमें बस एक बात आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो आपका प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा नमक का जो उत्पादन है वो गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है, एवं अंतर आवेष्टीय राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है, एवं चट्टानी नमक जो होता है वो हिमाचल प्रदेश की मंडी से प्राप्त होता है। ये कुछ हिंदी फैक्ट हैं और इंग्लिश में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये सारी की सारी बातें आपने इंग्लिश और हिंदी में याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो आज के आपके रिजर्व्स हैं उनकी तरफ हम जाने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट रिजर्व्स में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज, कल मैंने आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं करे तो एक बार जाके जरूर अटेंड करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आपने सेशन अटेंड किया था तो आपको सबको उनके आंसर आ गए। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि जो एनर्जी रिजर्व्स हैं, इन एनर्जी रिजर्व्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। वैसे तो ये टॉपिक पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इकोलॉजी में आता है। जो एनर्जी रिजर्व्स होते हैं उनको हम रिन्यूएबल में क्लासिफाई करते हैं और नॉन रिन्यूएबल में हम क्लासिफाई करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मिनरल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिनरल का मतलब पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाए जाने वाले रिसोर्सेज की हम यहाँ पे बात करेंगे, हम सूर्य की बात नहीं करेंगे, हम विंड की बात नहीं करेंगे, हम और बाकी सारी एनर्जी रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे, हम किन की बात करेंगे जो मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाने वाले हैं, जैसे कोल है, क्लियर। जैसे अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस आपके पास हो सकती है क्योंकि वो ट्रैप्ड होती है चट्टानों में, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है उसी में रिजर्व्स में, एक तो डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, वो मैं यहां पर भी डाल सकता था और नॉन मेटलिक में भी डाल सकता था, लेकिन मैं उसे एनर्जी रिसोर्सेज में ही पढ़ाऊंगा, कारण मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको फिजर मटेरियल पढ़ाऊंगा, क्लियर, नाभिकीय जो ऊर्जा के स्रोत है जिसमें यूरेनियम और थोरियम के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में, एक तो मैंने आपको कोल पढ़ाना है, कोयला पढ़ाना है, दूसरा मुझे आपको ग्रेफाइट पढ़ाना है, डायमंड पढ़ाना है, और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो फिर हमें यूरेनियम पढ़ना है और थोरियम और प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमें करनी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि जो आपका कोल है वो होता क्या है। तो कोल क्या है कि जो आपके एनवायरमेंट कार्बन आपके पास जो पाया जाता है, उस कार्बन का एक फॉर्म होता है, कार्बन की कंसंट्रेटेड होते हैं कार्बन, क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्लियर। तो जैसे हम जाते हैं कोल के पास, तो कोल होता क्या है, ये एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक होती है, क्लियर। तीन तरह की रॉक्स आपने पढ़ी होंगी, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और कायंत्रित चट्टाने, क्लियर। तो ये अवसादी चट्टानों का एक प्रारूप होता है। इस प्रारूप के अंतर्गत क्या होता है, जीव जंतु जब दब जाते हैं, जब दब जाने के बाद जब धीरे धीरे करके इन पर थोड़ा सा तापमान लगता है, तो ये जो आपके पास है लेयर्स के प्रारूप में इकट्ठे हो जाते हैं, परतों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये लेयर फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी इंप्योरिटी कम होने लगती है, तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं, कोल बोलने लगते हैं। तो जो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कोल है क्या, कोल इज द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर। ये क्या है आपके पास, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है, जो कि किसके रूप में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों के प्रारूप में पाया जाता है। अब ये बनता कैसे उसकी हम बात कर लेते हैं कि यहां पे अगर आप जाके देखोगे, सपोज करिए कि यहां पे क्या थी, एक परत थी, इस परत पे आप यहां पे जाके लेट गए, जैसे आप लेटे तो लेटने के बाद आपके ऊपर एक परत आई, यहाँ पे ऊपर परत आई, यहाँ पे ऊपर परत आई, और यहाँ पे सपोज करिए आप क्यों लेट गए थे, क्योंकि आपका वैलेंटाइन डे पे किसी ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा, इसके चक्कर में आपने मास प्रोटेस्ट दे दिया, अब आपने बोला कि जिंदगी जीने के लायक नहीं रही और आपने क्या सोचा कि नहीं अब नहीं जीऊंगा। तो यहाँ पे आपने गुलाब रखा था आपके पास, क्लियर, यहाँ पे गुलाब भी रखा हुआ, आप भी रखे हुए दोनों, और दोनों के ऊपर मिट्टी पड़ती जा रही है, मिट्टी पड़ती जा रही है, एक टाइम क्या होगा कि ये जो गुलाब है ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में
जाएगा, इम्प्योरिटी चेंज हो जाएगी और आप भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, इम्प्योरिटी हटके अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाओगे, मर जाओगे, धीरे धीरे करके चेंज होते जाओगे। तो जो वुड आपके पास होती है, लकड़ियां होती हैं, उनमें पाया जाने वाला जो कार्बन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, कोल में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो जब भी आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका मास बरियल होता है, काफी सारे पेड़ पौधे जब इकट्ठे जमीन में दब जाते हैं, उनके ऊपर परतों दर परतें मिट्टी बिछ जाती है, उसके बाद जब आपके पास प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, कोल विकसित होता है। अब ये जो कोल है, अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो इसकी स्टडी में आपको दो तीन बातें पता चलेंगी कि जितना पुराना कोल होता है, जितना ज्यादा टाइम इसे देते हैं, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कोल बनता है। क्लियर? अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें जो सल्फर होता है सल्फर की जो बहुत ही कम हो, जिसमें पानी का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम हो, ऐसे कोल को हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा उच्च ग्रेड का कोल बोलते हैं। और अच्छा कोल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से लंबा समय लेना। तो हम फिर से समराइज करते हैं, कोल क्या है, कोल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। क्लियर? और ये बनता किससे, इट इज द टाइप ऑफ फोसिल। क्लियर? फोसिल मतलब जीवाश्म जो होते हैं, किसके जीवाश्म में बनता है, पेड़ पौधों के जीवाश्म से ये बनता है, इसकी वजह से हम इसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इसकी प्योरिटी कैसे डिसाइड होती है, जितने लंबे समय तक ये बरी रहा, जितने लंबे समय तक ये दबा रहा, उससे इसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। तो कितने टाइप का कोल होता है क्वालिटी के हिसाब से, तो चार टाइप का कोल आपके पास होता है, चार प्रकारों का कोयला पाया जाता है। पहला जो कोयला होता है हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्लियर? तो सबसे अपर ग्रेड से हम लोअर ग्रेड की तरफ जाते हैं, लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड की तरफ भी आप जा सकते हो, तो हम अपर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो एंथ्रासाइट जो कोल है वो एंथ्रासाइट कोल 95% लगभग जो आपके पास होती है इसमें कार्बन की क्वांटिटी होती है। क्लियर? 95% इसमें कार्बन होता है। और इसमें एक और बात याद रखनी है, इसकी कैलोरिक फिक वैल्यू जो आपके पास होती है, मतलब जो ऊर्जा की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। थोड़ा सा कोयला जलाओगे काफी सारी ऊर्जा देखने को मिलेगी, और इतना ज्यादा इसमें कार्बन होता है कि इसका कलर काला नहीं होता, इसका कलर भूरा होता है। क्लियर? तो इसकी वजह से भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्लियर? और ये सबसे ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ होता है। इसमें यूज कहां पे किया जाता है इसका, इसका यूज जो है वो आपकी कुकिंग ग्रेड में किया जाता है। कुकिंग ग्रेड और नॉन कुकिंग ग्रेड एक बार और समझ लो। कुकिंग ग्रेड का मतलब होता है जिसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है वो क्या होता है, कुकिंग ग्रेड होता है। नॉन कुकिंग ग्रेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम जलाने में यूज करते हैं, जो काला एकदम कोयला होता है वो क्या होता है, नॉन कुकिंग ग्रेड का होता है। तो एंथ्रासाइट जो है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और ये क्या होता है, कुकिंग ग्रेड का कोयला होता है। ब्लास्ट फर्नेस में से डाल सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। तो इसकी हाईएस्ट कलोरिफिक वैल्यू है, और इसका जो कलर होता है वो एकदम डार्क नहीं होता, बिल्कुल आपके जैसा वो कैसा होता है, एकदम गोरे कलर का फेरल लवली लगाया हुआ कोयला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये मिलता कहाँ पे, इंडिया में, इंडिया में बहुत ही कम मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर जो आपके पास स्टेट है वहां पे कहीं कहीं ये कोयला आपको देखने को मिलता है, अदरवाइज इंडिया को ये इंपोर्ट करना होता है। हम ऑस्ट्रेलिया या चाइना से हम इसे इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के पास इस कैटेगरी का कोयला कम ही पाया जाता है। तो ये हो गया एंथ्रासाइट सबसे अच्छा। उसका दूसरा सबसे अच्छा जो आपके पास है वो कौन सा है, सेकंड कैटेगरी पे जो आपके पास आता है वो है बिटुमिनस। क्लियर? जैसे बिटुमिनस की हम बात करते हैं तो 60-80% के समथिंग कार्बन कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है, 60-80 लगभग ज्यादा भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे जो आपके पास है बिटुमिनस, अब जैसे बिटुमिनस के पास गए तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलता है। क्लियर? तो बिटुमिनस जो आपके पास है वो 60-80 हो गया, 80-95 में जो आपके पास था वो कौन सा आपका एंथ्रासाइट कोल हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट 40-55 जो आपके पास है, 40-60 भी आप बोल सकते हो, इसमें कार्बन कंटेंट होता है। और ये जो आपके पास है राजस्थान में, असम में, लखीमपुर में और तमिलनाडु जो आपके पास है वहां पे लिग्नाइट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी का जो कोयला होता है, उसमें पीट। और ये पीट एक्चुअली कोयला नहीं होता, ये मेकिंग इन कार्बन जो आपके पास कोयला फॉर्मेशन की प्रोसेस में होता है। जब हम इसे खोदते हैं तो ये सिलरी के जैसा निकलता है, ये जो गारा होता है उसके जैसा निकलता है। इसका यूज भी हम अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम इसको खोदते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, हमें खोदना होता है। तो लोएस्ट ग्रेड कौन सी होती है, पीट। तो इसमें चारों में आपको याद रखना है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट 40 से कम, जो पीट के बाद अगर हम बात करते हैं लिग्नाइट जो आपके पास है 40-60, और उसका बिटुमिनस 60-80, और 80-95 तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। तुरंत के तुरंत यहीं की यहीं रट लो, क्योंकि कई बार एमसीक्यू जो आपके प्रीलिम्स में बनता है उसमें ऑड वन आउट आपको करना होता है इनमें से एक अलग से। जैसे इसमें एक लेमोनाइट दे देंगे तो लेमोनाइट किसका है, इसका था
आयरन ओर का अयस्क था, क्लियर। हेमेटाइट दे दिया इन तीनों में, एक तो ऑड वन आउट आपको करना पड़ेगा, या आयरन की जो चार ओर थी उसमें से एंथ्रासाइट एक वहां पे डाल दिया चार ओर को हटा के, तो वहां पे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। हमें कई बार लगता है कि हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, इसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इतना हमने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल, चार कोल का चार तरह का जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, जिस तरह से आपके पास कोल आपको दिखता है। अब हम जाके देखते हैं इंडिया में जो कोल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहां कहां पे इंडिया में जो कोल है वो पाया जाता है, उसको हम एक बार जाके देखते हैं। तो इंडिया का जो कोल है उसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, याद रखना दो भागों में विभाजित करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूं ताकि कुछ चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो कोल है, क्लियर, ये कोल किससे ड्राइव होता है, जो आपके पास फोसिल्स होते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनसे ड्राइव होता है। अब इसकी जो क्वालिटी आपके पास होती है, ये क्वालिटी किससे डिसाइड होती है, एक तो सल्फर कंटेंट से और एक जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट है उससे डिसाइड होती है। अगर इसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी वाला है और अगर ये उससे कम क्वालिटी वाला, बेस्ट क्वालिटी वाले को हम क्या बोलते हैं, कुकिंग कोल बोलते हैं, कुकिंग कोल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कुकिंग कोल बोलते हैं। और जो कुकिंग कोल होता है, इस कुकिंग कोल को एंथ्रासाइट कोल भी कहा जाता है क्योंकि ये बेस्ट ग्रेड होता है। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं जो कुकिंग कोल है ये कैसे बनता है। जो टाइम आपके पास होता है, जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतने ही अच्छा कुकिंग कोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जब आपने याद रखी और इंडिया में हम कोल डिस्ट्रीब्यूशन के पास गए, तो इंडिया में कोल डिस्ट्रीब्यूशन हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट कैसे हो जाते हैं, टाइम के बेसिस पे और क्वालिटी के बेसिस पे दो पार्ट आपके आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आपके पास है उसको हम बोलते हैं गोंडवाना कोल्ड फील्ड, ये बेस्ट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा पार्ट जो आपके पास है वो टर्शियरी कोल्ड फील्ड, ये जो गोंडवाना है ये 250 मिलियन ईयर एगो आपके पास बहुत पहले बनी हुई थी, और जो टर्शियरी कोल्ड फील्ड जो आपके पास है 15 से 60 मिलियन ओल्ड जो आपके पास कोल्ड फील्ड है। और इन कोल्ड फील्ड से अगर हम बात करें, सिंपल सा याद रखना है कि सबसे पुरानी कौन सी है, गोंडवाना है, और जो नई वाली है वो कौन सी है, आपकी टर्शियरी कोल्ड फील्ड। तो अगर जो सॉरी कोल्ड फील्ड्स हैं, आपको याद रखना है कि सबसे बेस्ट ग्रेड कहां पे मिलेगी, गोंडवाना में मिलेगी, क्लियर, और उससे कम बेस्ट कहां पे मिलेगी, टर्शियरी में मिलेगी। तो टर्शियरी जो है वो अच्छा नहीं है, यूजफुल ज्यादा नहीं होता, गोंडवाना होता है वो बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन हमेशा यही बनता है कि बेस्ट जो आपके पास कोल कहां से मिलता है, गोंडवाना सीरीज जो आपके पास होती है वहां से मिलता है। अब हम देखते हैं कि बेस्ट जो आपके पास है इंडिया में कहां कहां पे और वर्ल्ड में कहां पे पाया जाता है, और ये बेस्ट क्यों होता है। बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन का कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, 95% तक आपके पास आ जाता है, बहुत ही ज्यादा जो आपके पास है जो यहां पे कार्बन का कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। और इंडिया में अधिकतर कोल जो है वो यहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इस कोल में सल्फर और जो फास्फोरस है इन दोनों की मात्रा कम पाई जाती है। अगर सल्फर ज्यादा होगा जब आप जलाओगे तो जलाने के बाद क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगी, एसिड ड्रेन हो जाएगी। और फास्फोरस के साथ भी कुछ ऐसे ही है, फास्फोरिक एसिड बनाएगा, बाद में जाके जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको कर रहा होगा। तो इसकी वजह से जब गोंडवाना कोल है उसमें सल्फर और फास्फोरस प्लस मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा, और इस मॉइस्चर के कंटेंट की वजह से इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, बेस्ट हो जाती है। अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो चाइना इसका बहुत ही बड़ा जो आपके पास एक्सपोर्टर भी और प्रोड्यूसर भी है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो दामोदर वैली जो आपके पास है झारखंड में, महानदी वैली जो आपके पास है उड़ीसा में, सोन वैली जो मध्य प्रदेश में है, और गोदावरी और वारधा वैली जो महाराष्ट्र में है, इंद्रावती जो आपके पास है कोयल, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो इसके प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो अपने ऑल इन ऑल क्या याद रखना है कि जितनी भी रिवर्स होती हैं उन रिवर्स में ये आपको कोयला, उनके बेड्स जो होते हैं उनमें ये कोयला देखने को मिलता है। कौन कौन से बेड्स आपके पास यहाँ पे इंपोर्टेंट हो गए, यहाँ पे जैसे हम एक एक करके बात करते हैं, यहाँ पे अगर इंडिया में जाके देखोगे तो यहाँ पे आप पहुंचते हो तो सबसे पहला जो आपके पास है उड़ीसा में अगर पहुंचे तो यहाँ पे कौन सा है, महानदी वाला एरिया हो गया। उसका छत्तीसगढ़ में पहुंचा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बाद अब पहुंचे मध्य प्रदेश में तो जो सोन वाला एरिया था ये सोन वाला एरिया आपको देखने को मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आप पहुंचे तो गोदावरी वाला एरिया आपको देखने को मिल गया, और उसके बाद अगर हम जाते हैं तो जो इंद्रावती वाला एरिया यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये सारे के सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको गोंडवाना जो कोल्ड है वो देखने को मिलता है। अब हम जाके देखते हैं कि कुछ फील्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स ऑपरेशनल है, इन फील्ड्स के ऑपरेशन को हम जाके समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि ओल्डेस्ट कोल्ड फील्ड जो आपके पास थी, वो कोल फील्ड जो आपके पास है वो कौन सी है, तो वो आपकी रानीगंज जो कोल फील्ड्स थी वो सबसे ओल्डेस्ट थी, 1774
1774 में यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। 1774 में कोयले का उत्पादन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी पुरानी कोल फील्ड्स यहाँ पे हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स आपके पास लिए, और जो 1973 जो आपके पास था 1973 में कोल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर बन गया, ये तीसरा विश्व का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश बन गया है चाइना और यूएसए के बाद। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो हमारी जो अधिकतर इंडस्ट्रीज है थर्मल पावर पे ही डिपेंड करती हैं। आपकी जो बिजली है उस बिजली का 55% उत्पादन किससे होता है, कोल थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है क्योंकि मजदूर होते हैं, उनको माइनिंग सेक्टर में जॉब मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां से एम्प्लॉयमेंट के साथ जो आपके पास पावर सेक्टर बूस्ट होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी बूस्ट होता है, काफी सारे इसके फायदे होते हैं। अब हम देखते हैं कि कहां कहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप पहुंचते हैं तो जो कोरबा कोल फील्ड्स हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं, उनके अंदर में आती है। उसके बाद अगर आप जाओगे चिरमिरी जो कोल फील्ड्स हैं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हसदो एक रिवर है यहाँ पे, और जोहिला रिवर है, ये दोनों, ये चारों के चारों जो कोल फील्ड्स हैं जो कोयले के क्षेत्र हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। कोरबा दूसरा आपको याद रखना है, चिरमिरी और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हसदो और जोहिला, ये चारों के चारों एरियाज आपको याद रखने हैं। झारखंड में अगर हम बात करते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी शायद आपने देखी होगी, यहाँ पे झरिया बोकारो जो कोल फील्ड्स हैं वो बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। क्लियर, तो ये सारी की सारी कोल फील्ड्स। उड़ीसा में अगर आप जाओगे तो उड़ीसा में जैसे हम पहुंचते तो एब रिवर है, क्लियर, तालचेर है, और जो आपके पास रामपुर जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों कोल फील्ड्स जो आपके पास हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसमें तालचेर आपको बड़े अच्छे से याद रखना है और दूसरा इब याद रखना है, ये आपको याद रखना है नहीं रखना वो आपका ऑटोनोमस डिसीजन है। वेस्ट बंगाल में अगर हम जाते हैं तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो क्षेत्र है वो बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो आंध्र प्रदेश में अगर आप जाते हो तो जो गोदावरी वैली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। तो एक एक करके हम रिवाइज करते हैं, बाकी बात में मध्य प्रदेश में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चार याद रखने, एक तो कोरबा याद रखना है, चिरमिरी याद रखना है, हसदो याद रखना है और जोहिला, ये चार के चार याद रखने। झारखंड में झरिया याद रखना है, बोकारो याद रखना है, ये दोनों के दोनों गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में शायद आपने देखे होंगे, ये आए थे। जिसने नहीं देखी जाके देखना, आपको लगता होगा कि मैं हमेशा मूवी गाइड करता रहता हूं, कभी मोटिवेशनल वीडियो गाइड नहीं करता। आप अपने आपके सेल्फ मोटिवेटर हो, इसलिए मोटिवेशन की तो कोई जरूरत नहीं है। भर भर के पड़ा हुआ है, ट्रकों में पड़ा हुआ है, अगर बेचोगे तो करोड़पति बन जाओगे। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं, वेस्ट बंगाल है वो कौन सा है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी भी आप इसे बोलते हो। आंध्र प्रदेश में गोदावरी वाले एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है, इस हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में कहां कहां पे कोयला देखने को मिलता है अगर इंडिया लेवल पे हम स्टडी करते हैं। तो जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जैसे ही मैं पहुंचा तो यहां पे आप जाओगे तो जो सिंगरौली वाला एरिया है, क्लियर, सिंगरौली वाला एरिया और जो सुहागपुर वाला एरिया है, ये दोनों एरिया। जैसे आप ईस्टर्न मध्य प्रदेश में जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा ईस्टर्न मध्य प्रदेश में उमरिया, क्लियर, उसके बाद जो आपके पास सुहागपुर है और जो आपके पास सिंगरौली है, यहाँ पे सिंगरौली में शायद आपने सुना होगा बैडन नाम की एक जगह है, इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश का भी कहा जाता है। क्लियर, वैसे तो सिंगरौली ही कहा जाता है एनर्जी कैपिटल, अगर सिंगरौली के साथ बैडन आए तो बैडन को आपको लगा के आना है, एनर्जी कैपिटल भी जाना जाता है। तो ये तीन जो आपके पास कोल्ड फील्ड्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो पेंच रिवर है, उस पेंच रिवर के आजू बाजू कोल्ड आपके पास छिंदवाड़ा में पाया जाता है। तो ये चारों के चारों कोल्ड फील्ड्स हो गई। वो पुरानी वाली झारखंड की आपको याद रखनी है, क्लियर, कोरबा गोल्ड फील्ड, चिरमिरी गोल्ड फील्ड, हसदो गोल्ड फील्ड, जो कोल फील्ड जो आपके पास है कोयला क्षेत्र है उनको आपको याद रखना था, जोहिला, और मध्य प्रदेश में ये चार हैं। ये चारों के चारों याद रखना, सीधा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बन सकता है एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन क्षेत्रों का विवरण आपको देना है। तो सीधा पहला आपको ये बोलना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में कोयला संसाधन है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित हैं कौन कौन सा, सबसे पहला आपके पास सिंगरौली है, दूसरा आपके पास सुहागपुर है, तीसरा उमरिया है और चौथा जो आपके पास पेंच, अन्य क्षेत्रों में पेंच आप लिख सकते हो, और यहाँ पे सिंगरौली में आपको जाके बोल देना है कि ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर, तो ये आपके पास था गोंडवाना। अब हम टर्शरी जो कोल्ड फील्ड्स आपके पास हैं उनको हम जाके देख लेते हैं टर्शरी के पास। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक्चुअली जो आप इंटरप्रिटेशन लगा रहे हो कि गोंडवाना लैंड,
ये अल्फ्रेड वेगनर का इंटरप्रिटेशन था जो आप बोल रहे हो कि इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यस एग्रीड, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। सभी इससे एग्री करेंगे अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है तो, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी है तो। लेकिन ये जो गोंडवाना है ये गोंडवाना अलग है, क्लियर। ये गोंडवाना यहाँ पे होता है रॉक सिस्टम के बारे में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्लियर। तो आप कंफ्यूज मत कर जाना, अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे धोखे से कभी उठा के, तो उसमें आर्यन सीरीज मिलेगी, हेमंका सीरीज मिलेगी, गोंडवाना सीरीज मिलेगी, विंध्यन सीरीज मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विंध्य प्रदेश में विंध्य सीरीज है, गोंडवाना कहां पे चला जाएगा, कर्नाटका में या गोंडवाना लैंड में। आर्यंस कब आ जाएगा, जब आर्य भारत में आए थे ना। ये सिर्फ और सिर्फ नाम है जो एक प्रॉपर टाइम इरा को शो करने के लिए दिए जाते हैं, क्लियर। यहां पे गोंडवाना का मतलब बोवाना गोंडवाना लैंड नहीं है कि इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये एक प्रॉपर टाइम सीरीज है, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जब पृथ्वी की जो गर्भिक संरचना उत्पत्ति हुई थी उसकी समय सारणी जब आप पढ़ोगे तब आपको ये सारी बातें पता लग जाएंगी, क्लियर। तो ये गोंडवाना और वो गोंडवाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इन दोनों को कंबाइन मत करना। गोंडवाना लैंड वहां पे एक लैंड का स्ट्रेच था, एक लैंड मास था, यहाँ पे गोंडवाना एक टाइम स्केल है, जिस टाइम स्केल में जो रॉक्स जो आपके पास हैं, चट्टानों का उद्गम हुआ है या रॉक्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई है। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, वहां पे हम गोंडवाना लैंड की बात कर रहे थे। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बुक से पढ़ते हैं तो यहाँ पे हेर फेर अदल बदल हो जाती है, तो उसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अब आप एकदम क्लियर करके रख लो, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में, क्लियर। तो यहां पे हम जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं टर्शियरी कोल्ड फील्ड्स जो आपके पास हैं। गुड मॉर्निंग मोल। तो यहां पे जैसे हम बात करते हैं टर्शियरी जो आपके पास कोल्ड फील्ड्स हैं, इनमें इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत घटिया होती है, क्लियर। जैसे कुछ लोगों की सोच घटिया होती है ना, ऐसे सेम टू सेम आपके पास इनकी टर्शियरी जो कोल है, जिनकी कुछ घटिया होती है उनसे आपको हमेशा बच के रहना है, और अगर आपकी घटिया है तो उसको सही करने की कोशिश करना है। इसलिए मैंने लॉकडाउन आपको दिलाया, इतना लंबा हॉलीडे, कि एटलीस्ट कुछ ना सुधरे तो अपनी थिंकिंग को तो सुधार ही सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो 15 से 60 मिलियन ईयर एगो हुई थी, तो आपको फिर से समझ आ गया कि ये टाइम स्केल आपको प्रॉपर डोनेट कर रहा है, और इनमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्लियर। याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि टर्शियरी जो कोल फील्ड्स हैं और जो गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं इनमें आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा, 5 मार्क्स में बन सकता है। तो इन दोनों के टाइम स्केल, कार्बन कंटेंट, क्वालिटी में, और आपको क्या लिखना पड़ेगा कहां कहां पे पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ये कहां कहां पे मिलते हैं, तो आपको याद रखना कि एक्स्ट्रा पेनिनसुला, जो पेनिनसुला है उस क्षेत्र को छोड़ के एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया में आपको देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये आपको देखने को मिलते हैं। जनरली इनमें लो कार्बन कंटेंट होता है क्योंकि बहुत लंबा समय इनको नहीं मिल पाया, हालांकि लंबा समय है लेकिन बहुत लंबा समय नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, इसकी वजह से कार्बन परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, और इसमें इंप्योरिटीज जो होती है, सल्फर फॉस्फोरस है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्लियर। और इसमें जो मॉइस्चर होता है, वाटर है, वो बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे सर आप बार बार मॉइस्चर पे फोकस क्यों कर रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी चीज को जलाते हो और अगर उसमें पानी होता है तो क्या होता है, गीली लकड़ी को जला के देखना, नहीं जलती, क्लियर। और अगर जलेगी भी तो पटपट की आवाज करेगी, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी आपको जलाने में देनी पड़ेगी कि उससे एनर्जी इतनी आपको मिलेगी नहीं, तो कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक अफेयर हो जाएगा। तो जितना कम वाटर का परसेंटेज होता है उतना ही अच्छा कोल आपको वहां पे देखने को मिलता है, तो यह बात आपको याद रखनी है सल्फर कंटेंट में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कहां कहां पे मिलता है, इसके रिजर्व्स आपको कहां कहां पे देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि कहां कहां पे आपके रिजर्व्स हैं। तो यहां पे जैसे हम जाते हैं तो असम आपके पास है, माकुम कोल फील्ड जो आपके पास है शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका पेट्रोलियम रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं वो मैं आपको पेट्रोलियम में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मेघालय, तीनों की तीनों पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, एक्सट्रक्शन नहीं कर पाते क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, एक्सट्रक्शन नहीं है लेकिन रिजर्व्स यहाँ पे टर्शियरी के पाए जाते हैं, क्लियर। जम्मू कश्मीर में अगर आप जाओगे कालाकोट जो आपके पास है, पीर पंजाल जो रेंजेस आपके पास है, साउथ पीर पंजाल रेंजेस में, वहां पे आपको
टर्शरी कोल देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए इंडिया में जो आपके पास रिजर्व्स हो गए। और अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे मैप में शो करा गया है, ये जो आपके पास है ये टर्शरी है। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये टर्शरी कोल फील्ड्स हैं, और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ये सारी की सारी कोल फील्ड्स हैं, यही सारी की सारी आपके पास हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स। मध्य प्रदेश में हम आए थे, मध्य प्रदेश में हमने जो सिंगरौली वाला एरिया है उसको हमने देखा, पेंच जो वाला एरिया था वो हमने देखा, एब तलचर रानीगंज कोल फील्ड जो आपके पास है वो आपने देखी। तो ये सारा का सारा एरिया है, मैप में जरूर शो करने की कोशिश करना, मैप से ही करने की कोशिश करना, एक मैप बनाना उसमें जाके लिख देना टर्शरी को अलग कलर से लिख देना, और जो आपके पास गोंडवाना है उनको अलग कलर से लिख देना। अब हम महाभारत को इतना देख लिया है, अब महाभारत को हम समराइज करने की कोशिश करते हैं कि कोल क्या है। कोल क्या था, एक सेडिमेंटरी रॉक था, कार्बन से बना हुआ था, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा कि दो टाइप का कोल हो सकता है, दो टाइप में गोंडवाना, टर्शरी गोंडवाना अच्छा होता है, सल्फर कम होता है, फास्फोरस कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसी कोई माइन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आपके गोंडवाना कैटेगरी का कोल है वो देखने को मिलता है, ये मध्य प्रदेश में पीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इतना अच्छा हमने पढ़ लिया, उसका हमने टर्शरी कोल को भी हमने पढ़ा, और एक और बात हमने पढ़ी कि कोल की चार वैरायटी होती है, पिट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट भारत में कम पाया जाता है, एंथ्रासाइट कुकिंग ग्रेड होता है, कुकिंग का मतलब होता है जिसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सके। उसके बाद जो आपके पास होता है पिट लिग्नाइट बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है, गोंडवाना में अधिकतर बिटुमिनस कोयला ही देखने को मिलता है, जिसका यूज हम या तो कुकिंग में कर लेते हैं कभी कभी, या तो हम जलाने में करते हैं। तो ये सारी बातें, अब आपको एक और बात याद रखनी कि एंथ्रासाइट कोल अधिकतर मध्य पूरे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट में ही देखने को मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका बन चुका है कि किस स्टेट में जो मिलता है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। तो बाकी सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, कोई दिक्कत है कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा इशू और हम इसमें टैकल कर लेते हैं कि जो कोल माइनिंग है इस कोल का यूज हम मेजरली कहां पे करते हैं, पावर जो आपके पास है उसको पावर सप्लाई के लिए हम इसका यूज करते हैं, थर्मल पावर जनरेशन में इसका यूज करते हैं। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है कोल सेक्टर के साथ, अब यहां पे याद रखना कि जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं, और अगर ज्योग्राफी का पार्ट है भी तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होगा, ज्योग्राफी में भी यूज होगा। ज्योग्राफी में जो हमने पढ़े वो डिस्ट्रीब्यूशन तक था, अब यहां से जो काम स्टार्ट होता है वो इकोनॉमिक्स का होता है, व्हाट आर दी वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कोल सेक्टर इन इंडिया, तो ये कहां पे आता है आपका जो प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। अब यहां पे हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम इंडिया में है कि जो कोल है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सारे राज्यों में बराबर बराबर कोयले का आवंटन नहीं है। अगर ऐसा हो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ राज्यों के पास ज्यादा है, कुछ राज्यों के पास कम है, जहां पे कम है तो वहां पे प्रोडक्शन कम होगा और अपने आप डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो आपके पास है कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो घटिया होता है, मैंने आपको पहले ही बोला सोच घटिया तो कोयला भी घटिया, क्लियर। तो यहाँ पे जो ऐश कंटेंट होता है राख, मतलब जैसे ही हमने जलाया उसके बाद क्या बनी, राख बनी, और राख ज्यादा बनती है तो वो क्या करती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करती है। तो जो कोल है वो माइनिंग खोदने से लेके जलाने तक एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। जो माइंस होती हैं वो अधिकतर ओपन माइंस होती हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, और बड़े बड़े गड्ढों में जब पानी भरता है तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ब्लीचिंग की प्रॉब्लम होती है और बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंटल हजार्ड वहां पे देखने को मिलते हैं। तो यहां पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होते हैं, और अगर हम ओपन माइन ना करके हम क्लोज माइनिंग करते हैं तो जो खदानें होती हैं उनमें CH4 या कोल बेड मीथेन जो आपके पास है वो मिलती है, जिसमें आग लग जाती है। तो ये फायर्स भी आपको इन फील्ड्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सुहागपुर गोल्ड फील्ड्स का कोल फील्ड्स का नाम आपने सुना होगा सुहागपुर में, तो जो सुहागपुर आपके पास है वहां पे जो रिलायंस इंडिया उसको ठेका भी दिया गया था कि इस मीथेन को हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, जिससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाए और जो वर्कर्स हैं उनको भी जो हार्म है वो ना पहुंचे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस हमारे पास कम है, और अगर ये माइंस हैं भी तो इनमें सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, क्लियर। सेफ्टी मेजर्स को ना फॉलो करने की वजह से कई बार आपने हेडलाइंस में देखा होगा कि जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है माइन को कोलैप्स करने की वजह से, सेफ्टी स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं करते इसलिए, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोल अगर हमने खोद दिया उसके बाद हम चोरी करते हैं, आपने देखा होगा जो कोल है उसको हम नीचे फेंकते हैं और उसके बाद हमारे जो भट्टियां वगैरह होती है उसको चलाने में तो लीकेजेस जो है वो हमारे सिस्टम में बहुत ही
ही ज्यादा है। स्लम डॉग मिलियनेयर नाम की मूवी देखी हुई, उसमें वो लोग कोल को नीचे फेंक के अपनी रोजी रोटी को चला रहे होते हैं, तो उसका मिसयूज बहुत ही ज्यादा होता है, डाइवर्जन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी कोल सेक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसका शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ आप बोलोगे सर कोयले की क्या लाइफ होती है, जो कोयला होता है अगर आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया और ओपन छोड़ दिया और अगर सनलाइट उस पर पड़ती रही तो कोयले का कंटेंट डिग्रेड होने लगता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, याद रखना, और उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एक लिमिटेड टाइम स्पेन में आपको यूज करना होता है और हमारे जो अननेसेसरी डिलेज होते हैं उसकी वजह से कोयले की क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद क्या है, सिलेक्टिव माइनिंग, मतलब हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर जब आप दो तरह का खाना होता है, सपोज करो कि आपके पास क्या है, काफी सारे अंगूर हैं, क्लियर, और जब आप अकेले खा रहे हो उनको तो अकेले हम कैसे खाते हैं कि जो सबसे बेकार बेकार हमें लगते हैं वो सबसे पहले खाते हैं और जो सबसे टेस्टी होते हैं वो हम क्या करते हैं सबसे बाद के लिए छोड़ देते हैं अकेले खाने में। और जब हम चार पांच लोग ग्रुप में खा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या छांटते हैं कि सबसे अच्छा वाला कौन है, उससे अच्छा वाला कौन है, तो अच्छे अच्छे सबसे पहले खाते हैं और सबसे बुरे वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये अप्रोच ह्यूमन अप्रोच है और यही अप्रोच हमारी कोल सेक्टर में भी फॉलो होती है। इस अप्रोच में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो अच्छे अच्छे एरियाज हैं जहां पे कोल ज्यादा है उसको माइन कर लेते हैं और जहां पे एरियाज में कोल कम है उसको हम माइन नहीं करते। ये सिलेक्टिव माइनिंग होती है जिसकी वजह से जो कोल है वो क्या हो जाता है आपका, जो बाकी सारे रिजर्व्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, इस वेस्टेज की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो आपके पास है, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, क्लियर, हम माइनिंग कैसे करते हैं, जाओ और खोद लो, क्लियर, ये प्रॉपर नहीं है, पहले जीपीएस से सर्वे होना चाहिए, क्लियर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएगा कहां पे खोदना है, कब तक खोदना है, किस टाइम पे खोदना है, साइंटिफिक मेथड शुड बी फॉलोड, और ये सारी की सारी चीजें हैं ये क्या बनती हैं आपकी इशू बन जाती है। अब इन इशू के अलावा अगर आपको कोई इशू लगता है कि इसमें कोई और इशू है तो आप मुझे बता सकते हो, मैकेनाइजेशन इसी में आ जाएगा, अधिकतर इशूज आपके पास हैं इसी में आ जाएंगे। और रामबाण इशू हमेशा लिख दोगे, कौन कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है, दूसरा इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो ये सारे तो रामबाण है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप डाल सकते हो। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला क्या करना है आपको, जितना भी कोयला है उस कोयले को दो कैटेगरी में बांट देना है, एक तो कुकिंग ग्रेड और एक लोअर ग्रेड, कुकिंग ग्रेड मतलब हाईएस्ट ग्रेड, और हाईएस्ट ग्रेड के लीकेज को कम करके सीधा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इसको हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट को आपको कम से कम करना पड़ेगा, और जो लो ग्रेड कोल है उसको हमें क्या करना है, बाकी सारी यूटिलिटी के लिए डाइवर्स कर देना है। उसके बाद जो सिलेक्टिव माइनिंग है उसको डिस्करेज करना है, सबको बोलना है खोदना है तो पूरा खोद, जैसे मम्मी आके बोलती है आपसे खाना है तो पूरा खाना है, सिलेक्ट करके नहीं खाना, क्लियर, तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कंपनीज को, खोदना है तो पूरा खोदना है, नहीं खोदना तो बिल्कुल नहीं खोदना, ये सारी बात। उसके बाद हम बात करते हैं जो न्यू रिजर्व्स हैं उनकी डिस्कवरी हमें करनी चाहिए और इनका ऑप्टिमल यूज होना चाहिए, और ऑल इन ऑल जो कोयला है इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, क्लियर, हरित ग्रह प्रभाव की जो गैसें होती हैं उनका उत्सर्जन होता है, और इस उत्सर्जन की वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में जो आपके पास पॉल्यूशन बहुत कम हो गया लॉकडाउन की वजह से, क्लियर, अब इस लॉकडाउन अगर खुल गया तो अपने आप पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो जितने फॉसिल्स फ्यूल है उनको ही डिस्करेज करना है, जो कोयला है उसके अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेस को आपको खोजना है, तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है, क्लियर। तो अब तक जो हमने पढ़ा कोयला क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्लियर, कुकिंग ग्रेड कोयल क्या होता है, उसका प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में, माइंस कहां कहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे, तो एक होलिस्टिक टॉपिक आप कवर कर चुके हो, इतनी पढ़ लेना आपका उद्धार हो जाएगा, प्री प्लस मेंस तथा इंटरव्यू के लिए भी आपका उद्धार हो जाएगा। इसके अलावा बस करंट अफेयर में अगर कोई इवेंट आता है तो उस इवेंट को आपको रिलेट करना है। अब यहां पे क्या है, एक दो क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, पहले क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं फिर मैं मेंस का क्वेश्चन आपको यही बताऊंगा ताकि कल आप मुझे लिख के भेज सको। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैच दी फॉलोइंग, वेस्ट बंगाल रानीगंज, झारखंड झरिया, मध्य प्रदेश जो आपके पास है सुहागपुर, उड़ीसा जो आपके पास है हेमागिरी, और ये आपके पास कुछ ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन को पढ़ के आप आंसर देने वाले। ये सारा कोल डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी अभी हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए ताकि आपको पता भी लगे कि आपको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है।
आप सभी का आंसर एकदम सही है। जो आंसर आपके पास है वो क्या है, ए। ये सारी की सारी पॉपुलर कोल फील्ड्स हैं और ये पुराने साल में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो थीम को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और अगर आप एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि रानीगंज जो कोल क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब मेंस में आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है के यूपीएससी की बात हम कर रहे हैं तो जो आपके पास कोल रिजर्व्स इन इंडिया है उसको आपको क्या करना है बताना है, क्लियर। और उसके बाद प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इन कोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया या कोल इंडस्ट्री इन फ्रंट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कोल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक आंसर लिखना है, दूसरा आपको प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स के बारे में या प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में आपको आंसर लिखने हैं। ये मेंस का क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिजर्व्स की तरफ, ये नेक्स्ट जो आपके पास मिनरल है उसकी तरफ हम जाने वाले हैं। सेकंड जो सेकंड आपके पास है वो कौन सा, ग्रेफाइट है। ये एनर्जी रिसोर्स नहीं है याद रखना, लेकिन फिर भी एनर्जी में रखा है। कारण क्या है, मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले क्या होता है, पीट कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है, क्लियर। एंथ्रासाइट ये सारी की सारी जो चीजें, इसमें कार्बन कंटेंट अपडेट होता जा रहा है 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 95, क्लियर। और अगर 95% से ज्यादा कार्बन कंटेंट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, ग्रेफाइट बन जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो जो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि सेम जो आपके पास केमिकल जो होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है या केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन होता है वो सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, क्लियर। डिफरेंट एटोमिक अरेंजमेंट्स की वजह से इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है। ये सारी चीजें एक ही, क्लियर। आपने देखा होगा सबका मालिक एक, सब फॉर्म अलग अलग है, ऐसे ही दिखता सबको अलग अलग है लेकिन होता क्या है, कार्बन होता है और उसका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसकी वजह से वो आपको डिफरेंट दिखते हैं। जैसे हम ग्रेफाइट की बात अगर हम करते हैं तो सेम ब्लैक लेड भी इसे कहा जाता है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट जो आपके पास होता है उसमें 95% से कभी भी कार्बन कंटेंट आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि एंथ्रासाइट कोल में अप टू कितना होता है, 95%, उससे ज्यादा अगर हम प्योर कर देते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। और इसका यूज कहां पे किया जाता है, जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड के साथ पाउडर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट। आजकल जो पेंसिल आप यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है, आपने कभी भी तोड़ के देखा होगा, ग्रेफाइट आपको देखने को मिला होगा। तो अब आपको क्या पता चला कि जो कोल आपके पास था वो क्या था, सेडिमेंटरी रॉक था, और इसका हमने मेटामॉर्फिज्म कर दिया, टाइम दे दिया इसे, तो वो क्या बन गया आपका, ग्रेफाइट बन गया। और अगर ग्रेफाइट का और मेटामॉर्फिज्म कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि ग्रेफाइट और डायमंड मैंने नॉन मेटलिक में ना रखे, मैंने कहां पे रखे, यहां पे। कारण क्या है, क्योंकि जहां पे भी कोल पाया जाएगा वहां पे आपको चांसेस बनते हैं कि वहां पे आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगा या डायमंड आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब जैसे हम बात करते हैं कि ग्रेफाइट जो है, इस ग्रेफाइट का जो का पाया कहां पे जाता है, उसकी यूटिलिटी कहां कहां पे होती है, इसकी हम बात करते हैं, क्लियर। तो यहां पे अगर हम जाके देखते हैं कि जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो होती है, मतलब जहां पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चल रही होती है, जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, अधिकतर उस केसेस में आपको ग्रेफाइट देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों बिल्डअप हो जाते हैं जो कार्बन को ग्रेफाइट में चेंज करने में मदद करते हैं। अब इसका हम जाके देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां पे होता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन कहां कहां पे, मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस में भी क्वेश्चन बन सकता है और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे जाके देखते हैं, सबसे पहला जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, क्लियर। उसका स्टील मेकिंग जो प्लांट्स होते हैं ग्रेफाइट में वहां पे उनका यूज किया जाता है। उसका जितने भी हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज्यादा ही होता है, ये मेल्ट इजीली नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपकी केमिस्ट्री होती है, उसमें आपने एनोड कैथोड पढ़े होंगे, तो आपका जो बैटरी होती है उस बैटरी में एनोड या जो बड़े बड़े स्मेल्टर्स होते हैं उनमें एनोड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। आपका मोबाइल है आज, उसको तोड़ना, तोड़ने के बाद उसकी बैटरी निकालना, उस बैटरी में कुछ फिल्म्स होती हैं उसको निकालना, वहां पे आपको जो ग्रेफाइट है वो देखने को मिलेगा, क्लियर। उसका हम जाके देखते हैं कि जो मोल्टन स्टील आपके पास है, उस मोल्टन स्टील में भी इसका इस इंडस्ट्री है, उसमें इसका यूज किया जाता है, जो स्टील होता है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम जाके देखते हैं, मैंने आपको बताया था ब्रेक लाइनिंग जो आपके पास
होती हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, एस्बेस्टोस का भी यूज किया जाता है, और जो आपके पास माइका होता है उसका भी यूज किया जाता है, ग्रेफाइट भी यूज किया जाता है क्योंकि अच्छा इंसुलेटर होता है। उसके बाद ये इसकी हीट रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो हैवी जितने भी ट्रक्स वगैरह होते हैं उनमें अगर ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेफाइट का देखने को मिलेगा। उसका लुब्रिकेंट में इसका यूज किया जाता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट पेंसिल बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो रिजर्व्स है और दूसरा प्रोडक्शन है। इन दोनों को हमें देखना है। जो रिजर्व्स है कहां कहां पे पाए जाते हैं, तो अगर आप जाके देखोगे जो रिजर्व्स है इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, ट्राइब्स भी ज्यादा है, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग डेवलपमेंट वहां पे नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे करते हैं, तमिलनाडु से करते हैं। तो एट प्रेजेंट में ऑपरेशनल प्रोडक्शन ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा कहां पे है, तमिलनाडु। तो नई वैली कोल फील्ड्स जो आपके पास है, नई वैली कोयला क्षेत्र है, वहां से इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है तमिलनाडु में। उसका झारखंड की हम बात करते हैं 30%, और उसके बाद अगर आप जाओगे पलामू डिस्ट्रिक्ट जो आपके पास है, देन उड़ीसा, और अगर वर्ल्ड वाइड हम ग्रेफाइट के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होगा ग्रेफाइट का यूज कहां पे किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी मशीनरी का मेकर है, तो चाइना सबसे ज्यादा जो ग्रेफाइट है उसको मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद ब्राजील आता है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा, कोल पढ़ा, कोल का एलोट्रॉप पढ़ा, एलोट्रॉप कौन सा था, ग्रेफाइट था, 95% से ज्यादा प्योर। और ये किस टाइप की रॉक के अंदर आ जाता, सेडिमेंट्री रॉक को आपको मेटामॉर्फिक करना है, मेटामॉर्फिक जो आपके पास है कायंत्र उसके अंतर्गत आता था। इतना आपने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ग्रेफाइट का यूज कहां कहां पे होता है, वो आपको अच्छे से याद होगा कि जहां पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस बनाना है, ब्रेकिंग सिस्टम बनाना है, क्लियर, और उसका लुब्रिकेशन आपको देना है, पेंसिल में आपको यूज करना है, अदर इंडस्ट्रियल पर्पज में आपको यूज करना है, ग्रेफाइट के काफी सारे आपको यूज देखने को मिलते हैं, क्लियर। उसके बाद जो एनोड कैथोड होते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, मिलता कहां कहां पे वो भी हमने यहां पे अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, जो नेक्स्ट आपका रिजर्व्स है वो कौन से, आपके डायमंड है। डायमंड के बारे में हम पढ़ते हैं, ये डायमंड जो आपके पास होते हैं ये क्या है, नेचुरली अकरिंग होता है, और ये आपके पास क्या है, एलोट्रॉप है। नेचुरली अकरिंग एलोट्रॉप आपके पास है। तो यहां पे जैसे आप बात करते हो डायमंड में, इसमें भी 95% से ज्यादा जो आपका कार्बन कंटेंट है वो देखने को मिलता है। अब जैसे आपने ग्रेफाइट बनाया था, उस ग्रेफाइट को आपने और लंबे टाइम तक हैवी टेम्परेचर में और हैवी प्रेशर में रखा, तो वो क्या हो जाता है, डायमंड में चेंज, क्लियर। अब जैसे डायमंड में वो चेंज हो गया तो वो क्या बन जाता है, प्रीशियस। प्रीशियस क्यों बन जाता है, क्योंकि इट लुक्स गुड, अपीलिंग लगता है आपको, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और जब इसको कट कर दिया जाता है तो कट करने के बाद इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लेयर करता है, और इस ग्लेयर की वजह से वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। तो अधिकतर ये जो आपको कहां पे मैंने आपको बोला था कन्वर्जेंट बाउंड्री में कहां कहां पे क्या मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है। और जो डायमंड है इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो अधिकतर ये वोल्केनिक क्रेटर्स में देखने को मिलता है, जहां पे कोयले में बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला है, बहुत ज्यादा प्रेशर उसने रेस्ट करा है, और जो कोयला होता है वोल्केनिक क्रेटर के आजू बाजू वो डायमंड्स में चेंज हो जाता है। तो अधिकतर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं उनमें आपको डायमंड देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो डायमंड माइनिंग है वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स के बीच में ट्रैप होता है। अब ये है कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये मत सोचना इग्नियस रॉक में डायमंड देखने को मिलता है, ना। सपोज करिए जैसे आपने क्या करा, आपने चारों तरफ किसी भी चीज को कवर कर दिया, क्लियर, और कवर करने के बाद आप उसे हीट कर रहे हो, तो सिंपल है, अंदर वाला जो जो आपके पास जो भी आपने रखा हुआ था यहाँ पे, ये जो अंदर वाले गुड्स थे ये भी क्या होंगे, इनमें हीट सप्लाई होगी, इनमें प्रेशर बिल्ड होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो आपके पास इसका डेवलपमेंट हुआ है, ये आपने पहले से रखा हुआ था, इसका डेवलपमेंट पहले से हुआ था। इसी तरह से जब आपकी इग्नियस रॉक्स होती है, वो आजू बाजू मैंने आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ाए थे वोल्केनिक, तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो आपके पास थे वो अंदर वाले लैंडफॉर्म्स जो आपके पास हैं उनमें जो चारों तरफ जो आपका लावा फैल जाता है और इनके बीच में जो ट्रैप्ड जो आपके पास कार्बन होता है इसको टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा मिलता है, इसकी वजह से ट्रैप्ड जो होता है वो किसमें चेंज होता है, डायमंड। इग्नियस रॉक डायमंड में चेंज नहीं होती, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, इतना सुंदर डायमंड दिख रहा है, अगर किसी को डायमंड चाहिए हो तो जल्दी शादी कर लो, मैं भी आपको रिंग में देखने को मिल जाए। वैसे तो नहीं मिलने वाला, चिंता मत करो, और शादी भी आपसे कोई नहीं करने वाला, पहले जॉब लगा लो,
ताकि अच्छे हो जाए, नहीं तो पता चला घर वाले विदा कर दें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायमंड्स इन इंडिया। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं जो विंध्यन सिस्टम, अब ये विंध्यन सिस्टम मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विंध्य पर्वत, ये विंध्य सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम है, जो जूलॉजिकल सिस्टम है, एक प्रॉपर टाइम में डेवलप हुआ सिस्टम। इसमें जो पन्ना आपके पास है, पन्ना में डायमंड पाए जाते हैं। आपको पता होगा पन्ना वाला जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया है, और उसका अनंतपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट आपके पास है आंध्र प्रदेश का, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, डायमंड प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। कृष्णा रिवर वाला जो एरिया है वो भी डायमंड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये तीन चीजें, और उसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया में डायमंड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत ही कम डायमंड्स इंडिया में मिलते हैं, और हाई ग्रेड के डायमंड बहुत ही कम मिलते हैं। और आपको पता होगा एक कोहिनूर डायमंड था, उसे गोलकुंडा की खदानों से खोदा गया था, और एट प्रेजेंट में महारानी वृतनी का जो आपके पास है क्लियर जो उस टाइम पे जो आपके पास एलिजाबेथ थी उस टाइम पे उनके जो मुकुट पे आता था, अभी भी ब्रिटेन की जो महारानी है उनके मुकुट पे जो आपका कोहिनूर डायमंड है वो इंडिया से मिला हुआ था गोलकुंडा, जो मीर जुमला जो आपके पास था उसने गिफ्ट करा। उसके बाद जो बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी, वो इतिहास में आप पढ़ोगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा या कहीं और से जब भी आप पढ़ो, तो कोहिनूर डायमंड है वो भी इंडिया से मिला था। कई बार पूछा जाता है कि वो कहां पे मिला था, गोलकुंडा की खदानों से वो आपको मिला था क्लियर। इंडिया में अभी कहां पे मिलता है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना से डायमंड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो डायमंड्स हैं वो कहां पे मिलते हैं। तो याद रखना जो रशिया है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, उसके बाद जो बोत्सवाना है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस जो डायमंड है उनका क्लियर। जो ओपरा जो डायमंड फील्ड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जो, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया सेकंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो साउथ अफ्रीका, काफी सारे जो आपके पास प्रोड्यूसर हैं। अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम मैप्स में जाके देखते हैं, मैप्स तो आई थिंक मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, तो यहाँ पे जैसे आप जाके देखोगे तो जो साउथ अफ्रीका आपके पास है, साउथ अफ्रीका यूएस, अब जैसे यूएस की हम बात करते हैं तो यूएस में नेचुरल डायमंड आपको देखने को नहीं मिलते। यूएस में कौन से डायमंड देखने को मिलते हैं, जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंथेटिक डायमंड कहाँ पे हो गए, यूएस में हो गए, और उसके बाद सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पे हो गए, रशिया में हो गए, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, बोत्सवाना में। और एक और बात याद रखना कि अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा डायमंड देखने को मिलते हैं, या जो रिजर्व्स हैं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में स्लेव्स ही इसीलिए बनाए जाते हैं कि इन डायमंड को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। चाइना इलीगली डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है कहाँ पे, अफ्रीकन कंट्रीज में, इस बात को आपको याद रखना है। इसलिए एक मूवी भी नहीं है, अगर आप जाके देखना चाहो, ऑस्कर विनिंग मूवी है ब्लड डायमंड, बहुत अच्छी मूवी है। दो चीजें, दो टॉपिक आपके कवर करके जाएगी, जो हम बोलते हैं ना कि आर्टिकल 17 जो आपके पास है अनटचेबिलिटी, उसके बाद स्लेवरी वाला जो आर्टिकल आपके पास है दास प्रथा को उन्मुक्तिकरण, तो दास कितने खतरनाक होते हैं, जीवन कितना बेकार होता है उनका, उसको जानने का मौका मिलेगा ब्लड डायमंड से। और कितना ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हम कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज का, जो चाइना वगैरह अदर जो कंट्रीज हैं, वो आपको देखने को मिलेगा ब्लड डायमंड नाम की मूवी में। अगर आपको देखनी है तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, सीधी की सीधी मूवी मिल जाएगी, और एक मोस्ट गाइडेड मूवी है, ताकि सिनेरियो को आप समझो, जब आप सिनेरियो को फील करोगे तब आप समझ पाओगे। और इन मूवीज को देखा करो, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ बताती हैं, और वैसे भी क्वारंटाइन में आप कुछ भी नहीं कर रहे, मजे ही कर रहे, कुछ अच्छी अच्छी मूवी देख लोगे तो अपने आप आपका फायदा हो जाएगा। तो उसमें हमने देखा कि जो, अब हम जाके देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड में। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। तो हमने देखा कि अधिकतर जो आपके पास होता है ग्रेफाइट में 95% कार्बन मिलता है, और जो आपका डायमंड है उसमें 100% कार्बन मिलता है क्लियर। यहाँ पे ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसके स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से ये सॉफ्ट होता है, याद रखना ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और डायमंड जो होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो आपके पास अगर हम नेचुरली कंपाउंड देखेंगे तो वो कौन सा है, आपका डायमंड है। इसको आपको याद रखना है, डायमंड और जो आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपके पास होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उससे हम डायमंड को कट करते हैं, और कट करने की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, गुजरात वाला जो पूरा का पूरा एरिया है वो डायमंड कट के लिए जाना जाता है क्लियर। इसमें अगर हम बात करते हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटलिक कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाते हैं, और यहां पर जो आपके पास है एक्सट्रीम हीट को ये सब्जेक्ट कर जाता है, एक्सट्रीम हीट जो आपके पास होती है उसको झेल जाता है, ये हीट और प्रेशर दोनों को ही आपके पास झेल जाते हैं, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, ये जो आपके पास ग्रेफाइट आपके पास है ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और इसमें आपको याद रखना है कि डायमंड है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कैसे, अगर इसको ज्यादा हीट दे दी,
एक्सट्रीमली हीट, और ये एक्सट्रीमली हीट 2000 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है जो कि पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये किसमें राख में चेंज हो जाता है। ग्रेफाइट ज्यादा टेम्परेचर भी राख में चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, लेकिन डायमंड को अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो राख में चेंज हो जाता है। इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है जो अगर हम ग्रेफाइट से कंपेयर करते हैं तो उससे कम होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। यूज इसका पेंसिल बनाने में किया जाता है, इसका यूज ग्लास कटर को बनाने में किया जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, शादी वाले जो रिंग्स होती हैं उसको बनाने में किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज में इसका यूज किया जाता है। काफी सारे यूज जो हैं वो डायमंड के हैं और ये प्रीसियस होता है, इसकी वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी में मोस्ट पॉपुलर होता है। और इस बात को एक और याद रखना है कि जो डायमंड्स होते हैं उसकी क्वालिटी जो होती है वो किसमें चेक करी जाती है, कैरेट में। जो गोल्ड होता है गोल्ड की भी किसमें हम करते हैं कैरेट में चेंज, 24 जो आपके पास कैरेट होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म आपके पास होता है, क्लियर, जो आपका गोल्ड का था। यहाँ पे जो आपका वजन होता है वो मापा जाता है। डायमंड के केस में जो कैरेट होता है वो क्या होता है 200 मिलीग्राम के बराबर क्या होता है एक कैरेट होता है, क्लियर। तो डायमंड का वजन होता है वो किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है वो आपको याद रखना है, जो कैरेट में मापा जाता है, और गोल्ड की प्योरिटी किसमें मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। तो यहाँ पे दोनों बातें आपको याद रखनी है कि 24 कैरेट जो गोल्ड है वो प्योरेस्ट होता है, जो ज्वेलरी है वो 18 से लेके 22 कैरेट में बनाई जाती है क्योंकि ओरिजिनल जो गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड के केस में प्योरिटी हम इससे नहीं मापते, प्योरिटी के लिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, रिफ्रैक्शन पावर ऑफ रिफ्रैक्शन से हम उसकी जो प्योरिटी है वो उसको माप रहे होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर। और रिजर्व्स में आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग कलर के डायमंड्स होते हैं, जो रशिया है उसमें सबसे ज्यादा प्रकार के डायमंड्स होते हैं, बोत्सवाना होता है अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा डायमंड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, सिंथेटिक डायमंड के लिए यूएसए जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो गया, क्लियर। अब जो नेक्स्ट रिजर्व्स आपके पास है वो है पेट्रोलियम। ये छोटे छोटे से हैं, 5-10 मिनट में हम कवर कर देते हैं ताकि आपका नेक्स्ट कल टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाए, 3 दिन हो गए इसी टॉपिक को कवर करते हुए। नेक्स्ट जो आपके पास है पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब होता है रॉक और दूसरा लियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब ऐसा ऑयल जो रॉक से ड्राइव होता है। ये बनता कैसे है, जब भी हम बात करते हैं ये आपकी रॉक्स हैं, इन रॉक्स के बीच में क्या होता है, बीच में स्ट्रेटास बने होते हैं, परतें होती हैं, इन परतों के बीच में जब मैंने आपको बोला था कि जब आपका वैलेंटाइन डे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, जब आप पे टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे सपोज करो आपका पैर क्या हो गया, ऑयल आपके अंदर तेल होता है वो तेल निकल गया, जो आपका स्टमक था उससे तेल निकल गया, दिमाग से लेकिन कभी भी आपके पेट्रोलियम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो तो है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो डिग्रेड भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास क्या है, पेट्रोलियम किससे निकलता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे निकलता है और सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्लियर। यहां पे अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम को हम डिगिंग करते हैं, अधिकतर जो शेल्फ रीजंस होते हैं जैसे आपके पर्शियन गल्फ है वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाता है, और जो आपके इंडिया में शेल्फ रीजन होते हैं वहां पे आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब हम जाके देखते हैं कि पेट्रोलियम भारत में कहां कहां पे देखने को मिलता है, इंडिया में कहां कहां पे आपका पेट्रोलियम है वो आपको देखने को मिलता है। एक एक करके इंडिया का जो पेट्रोलियम रिजर्व है इनको दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर देते हैं, दो भागों में हम बांट देते हैं। एक तो जो आपके पास है ऑनशोर होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑफशोर होता है। ऑनशोर और ऑफशोर में डिफरेंस आपके पास क्या है, मतलब एक तो समुद्र से दूर है, क्लियर, अंतर ये भागों में है, और दूसरा क्या है, समुद्र के पास है। तो जो हम सबसे पहले जाते हैं ऑनशोर, ऑनशोर में कहां कहां पे, जो ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र वाले एरिया यहां पे अगर आप जाओगे, डिगबोई वाला एरिया, बोंगईगांव वाला एरिया, और जो बरौनी वाला क्षेत्र जो आपके पास है वो वाला क्षेत्र आपको यहां पे देखने को मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम छाके देखते हैं तो यहां पे राजस्थान है, और राजस्थान में आपको मंगला कूल जो पेट्रोलियम की जो फील्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है। सीधे के सीधे पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी कि मंगला जो ऑयल फील्ड्स हैं वो कहां पे, तो जो राजस्थान वाला एरिया यहां पे कौन सी है, मंगला है, और जो गुजरात वाला एरिया वो कहां पे है, डिगबोई है, क्लियर, गुवाहाटी है, बोंगईगांव है, और बरौनी, क्लियर। डिगबोई में एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी को भी ओपन किया गया था 1901 में, तो सबसे पहले यही ऑयल क्षेत्र को खोजा गया था, इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर। अब उसका हम बात करते हैं, ये सारे के सारे एरिया हो गए, उसका हम जाते हैं जो गुजरात वाला एरिया है उसमें हम जाके देखते हैं गुजरात वाला एरिया, और उस गुजरात वाले एरिया में अगर आप जाके देखोगे तो ऑनशोर और ऑफशोर कहीं ना कहीं आपको दोनों देखने को मिलते हैं। तो ऑफशोर और ऑनशोर अगर इंडिया के अंदर की तरफ जाते हैं, यहां पे अगर आप जाते हैं, एक तो जो कोस्ट लाइन है उसके पास हम पहुंचे तो वहां पे आपको क्या दिखता है, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये आपको पूछा जाता है, उसका खंभात पूछा जाता है, अहमदाबाद कलोल जो आपके पास है वो पूछा जाता है। इन सब में दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ऑनशोर मतलब जो तटरेखा
रेखा है उसके आजू बाजू, तट रेखा के आजू बाजू यहाँ पे अंकलेश्वर और जो कलोल आपके पास है, ये दोनों बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। क्लियर? कौन कौन से याद रखने थे? डिगबोई याद रखना था, क्लियर, बोंगईगांव याद रखना था, गुवाहाटी आपको याद रखना था, बरौनी आपको याद रखना था, उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान में मंगला आपको याद रखना था, और यहाँ पे तमिलनाडु में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कावेरी बेसिन है वो आपको याद रखनी है, आंध्र प्रदेश में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो जो गोदावरी वाला जो एरिया है वो आपको याद रखना था। क्लियर? ये इंटीरियर एरियाज हैं या तट क्षेत्रों के पास है। अब हम दूसरी साइड जाते हैं तो ऑफशोर, ऑफशोर मतलब थोड़े से दूर की तरफ आप जब चाहोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर। ऑफशोर में क्या है, जैसे हम मुंबई के पास पहुंचे तो यहां पे क्या है, मुंबई हाई। अब याद रखना कि सबसे पहले प्रोडक्शन कहां पे स्टार्ट करा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्टार्ट करा था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एट प्रेजेंट में इंडिया में कहां से हो रहा है, वेस्टर्न घाट में अगर आप जाके देखोगे तो जो मुंबई हाई आपके पास है वहां पे आपका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, इस कृष्णा गोदावरी बेसिन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? और यही जो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताए हैं, यही क्षेत्र कहीं ना कहीं नेचुरल गैस पे भी डील करते हैं, बस यहाँ पे मंगला के साथ टनोट और ऐड कर देना, बाकी अधिकतर जहां पे पेट्रोलियम आपको देखने को मिलता है वहीं पे आपको कहीं ना कहीं जो आपके पास है जो गैसेस हैं देखने को मिलती हैं। और यहां पे अगर ऑफशोर की हम बात करते हैं कृष्णा गोदावरी में, तो यहां पे जो रावा फील्ड्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, याद रख लेना कि जो रावा फील्ड्स हैं ये पाई जाती हैं, यहां पे आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। केजी बेसिन में गैस मिलती है, मुंबई हाइक में भी गैस मिलती है, और यहां पे आप जाओगे मंगला के साथ टनोट है वहां पे गैस मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नेचुरल गैस मिलती है, तो दोनों के दोनों चीजें आपके साथ में हो गई। और यहां पे हमने जो पढ़ा उसमें आपको याद क्या रखना था, सबसे पहले पेट्रोलियम इस टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्लियर, किससे बनता है, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे सेडिमेंट्री फॉर्म में डिग्रेडेशन से बनता है। क्लियर? इंडिया में अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑनशोर मतलब तट रेखा के पास और तट रेखा के अंदर, कोस्ट लाइन के पास में या कोस्ट लाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को हम तीन चार भाग में डिवाइड कर देते हैं। ऑनशोर को पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपने डिवाइड कर दिया, हो गया। दूसरा आपने राजस्थान में चले गए मंगला, तीसरा हम चले गए गुजरात वाले क्षेत्रों में, चौथा हम चले गए इंटीरियर पेनिनसुलर में जहां पे कृष्णा गोदावरी था। उसका ऑफशोर में गए, ऑफशोर में कौन सा था, वेस्टर्न था और ईस्टर्न वाला क्षेत्र आपके पास था। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न आप जब आप पढ़ोगे तो वेस्टर्न में मुंबई हाई आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ईस्टर्न में जो आपके पास है कृष्णा गोदावरी बेसिन, रावा जो फील्ड्स हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि इंडिया की एवं एशिया की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी कहां पे खुली थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिगबोई असम में खुली थी 1901 में, 1901 में से खोला गया था। क्लियर? तो ये आपके पास था पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में इंडिया में। अब हम जाके देखते हैं कि यूरेनियम रिजर्व, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहां पे थैंक यू अंशुल, यहां पे जाके देखिए कि जो आपके पास है यूरेनियम, तो यूरेनियम जो आपके पास है, यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि ये कौन से हैं आपके यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं और थोरियम, ये फिजर मटेरियल हैं, नाभिकीय जो आपके पास अणु होते हैं जिनसे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करी जाती है वो दो हैं। क्लियर? अब जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम का जो कलर है वो कैसा होता है, येलो होता है। क्लियर? आपको क्या याद रखना है, जो यूरेनियम है यूरेनियम का कलर कैसा होता है, येलो होता है। इस येलो कलर की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, येलो केक भी बोलते हैं। क्लियर? अब जैसे आप यूरेनियम के पास गए तो यूरेनियम का फिजर मेटल होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो U238 आपके पास होता है, इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर? और ये U235 के रूप में भी पाया जाता है, और ये दो आइसोट्रॉप्स आपके पास होते हैं, और ये आइसोट्रॉप्स को एनरिच करके क्या बनाया जाता है, बॉम्ब्स भी बनाए जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी वाले न्यूक्लियर बॉम्ब्स। लेकिन इनको एनरिच करने का मतलब क्या होता है, इसकी प्योरिटी 99% से ज्यादा ले जाना, और इस प्योरिटी को ज्यादा ले जाने की वजह से खतरा हो जाता है, और खतरे में जो इंटरनेशनल नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है, क्लियर, इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन जो है वो इस पे प्रतिबंध लगा देता है। और इंडिया के केस में भी आपने देखा होगा बुद्ध पूर्णिमा भी अभी गई है, इस बुद्ध पूर्णिमा पे हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम का टेस्ट करा था। खैर जो भी हो, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिविल यूज के लिए पढ़ रहे हैं, हम मिलिट्री यूज के लिए इसको नहीं पढ़ रहे। तो यूरेनियम 235 आपके पास है, इसको हम जाके देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड मिलता कहां-कहां पे। इसमें याद रखना दो अलग-अलग, इवन इनफैक्ट तीन अलग-अलग चीजें हैं, इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तीनों चीजें हैं, कान खोल के सुन लो क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां पे हैं, भंडार कहां पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कजाकिस्तान। क्लियर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कजाकिस्तान। तीसरा अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, क्लियर, एक्सपोर्टर कौन है, वो है कनाडा। क्लियर, ये तीनों की तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व्स तो हैं लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा, कजाकिस्तान प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा यूज कर लेता है इसलिए वो एक्सपोर्ट कम करता है। कनाडा प्रोड्यूस करता है और सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देता है, वो खुद उसका यूज नहीं करता। ये तीनों चीजें हैं, इनका रट्टा मार लो तुरंत के तुरंत, तीनों क्वेश्चन बनते हैं। रिजर्व्स कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। जो आपके पास प्रोडक्शन है कौन करता? कजाकिस्तान। और जो अगर हम बात करते हैं कि जो आप एक्सपोर्टर कौन है? कनाडा है। ये तीनों के तीनों चीजें, कंट्री आपको याद रखनी है। क्लियर, अब हम यहाँ के बाद गए इंडिया। इंडिया में करंटली हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इंडिया एनर्जी हंग्री कंट्री है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए यूरेनियम की जरूरत है। हमारे पास इतने ज्यादा यूरेनियम नहीं है, कुछ यूरेनियम आपको देखने को मिलते हैं। जो जादूगोड़ा माइंस है, इसकी डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई है पीबीसी की, उसको जरूर से जरूर आपने देखना है कि कितने ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट है यूरेनियम प्रोडक्शन करने के। जादूगोड़ा माइंस है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माइंस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो श्रीशैलम जो फॉरेस्ट आपके पास है, क्लियर, वहां पर भी प्रोडक्शन किया जाता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे भी प्रोडक्शन करते हैं। मेघालय में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। स्लॉन्ग प्लेट्यू में इसका प्रोडक्शन होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन कहां से होता है? जादूगोड़ा से। और हम प्रीडोमिनेंटली इंपोर्ट पे डिपेंड हैं, हमारे यहां ज्यादा प्रोडक्शन यूरेनियम का नहीं होता। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद येलो केक बोलते हैं इसको, आपको ये याद रखना है। लास्ट में है थोरियम, बस 2 मिनट का और बचा हुआ है सेशन, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम विंड अप करते हैं। जैसे हम थोरियम के पास जाते हैं तो ये थोरियम जो आपके पास है, ये भी एक न्यूक्लियर फिजर मटेरियल है और एनर्जी में इसका यूज किया जा सकता है। और ये पाया कहां पे जाता है? जो यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो केरला का कोस्ट है वहां पे, आंध्र प्रदेश उड़ीसा की कोस्ट में जो सैंड होती है, उस सैंड के रूप में पाया जाता है, मोनोजाइट सैंड के रूप में ये पाया जाता है। क्लियर, जो मोनोजाइट सैंड है उसके रूप में ही आपको देखने को मिलता है। ये एक बालू का किस्म होता है, सैंड का एक किस्म होता है, उसको जब हम प्योर करते हैं तो हमें थोरियम मिलता है। और थोरियम और यूरेनियम के एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस आपके पास ये है कि जो थोरियम है वो खुद से न्यूक्लियर एक्टिव नहीं होता, इसको फिजर बनाना पड़ता, मतलब कॉस्ट एडिशनल। यूरेनियम खुद से ही एक्टिव होता है, क्लियर, और इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, लेकिन थोरियम को सबसे पहले हमें एनरिच करना होता है, उसको एक्टिव बनाना होता है और उसको यूरेनियम के साथ यूज करना होता है। इसलिए थोरियम के इंडिपेंडेंट रिएक्टर्स बहुत ही कम मिलते हैं, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, और उसका जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90 होता है, और ये एक रेयर अर्थ मेटल के रूप में पाया जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में पाया जाता है। ये टॉपिक एक स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक का टॉपिक है, हम जब उन टॉपिक्स को डील करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, तो यहां पे हम जाके देखते हैं कि मोस्ट अबंडेंट जो आपके पास है ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? गांठ बांध के सुन लो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो केरला वाला पार्ट है, केरला में जो मालाबार की तटरेखा है, मालाबार कोस्ट में ये सबसे ज्यादा मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? मोनोजाइट सैंड के फॉर्म में ये आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां पे? इंडिया में, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स में, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और साउथ अफ्रीका में। सबसे ज्यादा भारत में थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं, कहां पे? केरला में, और उसके बाद बाकी अलग अलग जगह पे थोरियम आपको देखने को मिलता है। और ये कैसे मिलता है? मोनोजाइट सैंड के रूप में आपको देखने को मिलता है, हालांकि इसका यूज अब तक ज्यादा नहीं हो पाया। क्लियर, ये सारी की सारी बातें आपके पास हो गई, जो थोरियम है उसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। क्लियर, अब यहां पे कुछ अच्छी अच्छी बातें और देख लीजिए कि जनरली हम ये सोचते हैं पेट्रोलियम के मामले में, इंडिया प्रोड्यूस तो करता है पेट्रोलियम को, लेकिन अभी भी हम पेट्रोलियम के मामले में क्या है? इंपोर्टर है, हम इंपोर्ट करते हैं। और अब हमारा जो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन इंपोर्ट का कहां से आता है? जो ईरान नाम का देश है वहां से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो एट प्रेजेंट में इन 2020, मैं 2020 का डाटा बता रहा हूं, तो 2020 का जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से यूएसए जो आपके पास है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस अभी प्रेजेंट में यूएसए कर रहा है, जनरली आपकी किताब में सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है। क्लियर, इस बात को आपको पेट्रोलियम में याद रखना है। इंडिया कहीं पे भी रेस्ट नहीं करता वर्ल्ड वाइड, हम क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं, और एट प्रेजेंट में क्रूड ऑयल की क्राइसिस चल रही है।
क्राइसिस का मतलब क्या होता है? तंगी मतलब जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और एट प्रेजेंट में आप देखोगे सारी इंडस्ट्री शट डाउन है, यूज कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा यूज कम होगा, तो ये जो प्राइस है क्रूड ऑयल की अभी अभी रिसेंटली जीरो पहुंच गई थी, क्लियर, मतलब फ्री में भी कोई क्रूड ऑयल को खरीदने वाला नहीं था, नेगेटिव बॉन्डिंग यहां पे हो गई थी। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अगर आप चाहो तो सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि नेगेटिव प्राइस कैसे होती है, नेगेटिव प्राइस का असर क्या है, क्रूड ऑयल सेक्टर पे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो इंपैक्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें आपको इकोनॉमिक्स में डील करनी है। बस यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी है कि क्रूड ऑयल को हम इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, हमारा इम्पोर्टर है ईरान, ईरान के बाद सऊदी अरेबिया, क्लियर। उसके बाद अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस भी हमारे पास सबसे ज्यादा नहीं है, उज्ज्वला योजना में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए कतर से हम उसे इम्पोर्ट करते हैं, और तापी पाइपलाइन हम बना रहे हैं ताकि तापी पाइपलाइन से हमारी गैस हम कहां पे लेके आ पाएं, इंडिया लेके आ पाएं। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे जो रिजर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं ओवर हो गए, और अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, एक दो क्वेश्चन हैं जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर तो अभी अभी आपको मिला हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोजाइट सैंड अलोंग द केरला कोस्ट, केरला कोस्ट के यहां जो मोनोजाइट सैंड है उसके रूप में क्या पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, जल्दी से आंसर। लीडिंग एक्सपोर्टर किसका, अगर आप मोनोजाइट सैंड का लीडिंग एक्सपोर्टर बोल रहे हो तो फिर उसका एक्सपोर्ट नहीं होता अभी, उसका कमर्शियल यूज ही नहीं हो रहा, और अगर आप क्रूड ऑयल का लीडिंग एक्सपोर्टर बोल रहे हो तो लीडिंग एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया और रशिया में दोनों में कंपटीशन चल रहा है, तो जो सऊदी अरेबिया है प्रेजेंट में वो लीडिंग एक्सपोर्टर है। इसका आंसर आपका है थोरियम, सबका आंसर एकदम सही है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आज के सेशन को बिल्डअप करने से पहले, हुट्टी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट, हुट्टी माइंस किसके लिए जानी जाती हैं, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं, तो ये कहां पे हैं, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या बिहार में, हुट्टी माइंस कहां पे हैं जल्दी से बताइए। इसलिए वाले का आंसर थोरियम ही था, ये राइट आंसर था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हुट्टी माइंस कहां पे हैं, जो हुट्टी माइंस आपके पास हैं ये कर्नाटका में, आपका आंसर एकदम एब्सोल्युटली सही है। तो अब तक आप जाके देखोगे तो हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें कवर कर ली मिनरल रिजर्व्स में, और जो भी चीजें रह गई हैं अब आप उनको पॉइंट फॉर्म में लिख लेना, काफी सारी चीजें मे भी रह गई क्योंकि मिनरल्स तो काफी सारे, जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उतने मिनरल्स हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से जो इंपोर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। मेंस के क्वेश्चन आपके पास यही है कि कोल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट्स आपको बताने, फर्स्ट जो आपके पास है, दूसरा जो आपके पास है 3 मार्क्स में कोल डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन आपको हैंडल करना है, नेक्स्ट जो आपके पास है डायमंड और जो ग्रेफाइट आपके पास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताना है, और जो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो एक ये क्वेश्चन बन सकता है न्यूक्लियर जो मिनरल्स इन इंडिया है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें जो यूरेनियम है और थोरियम है उसके बारे में आपको बताना है। ये मेंस के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 5-5 मार्क्स में, इन तीनों को लिख लेना। आई थिंक ये टॉपिक बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी टॉपिक है तो आप कमेंट करके मुझे कभी भी बता सकते हो, टेलीग्राम पे आप बोल सकते हो, स्लाइड आज ही आपकी अपलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, हैप्पी लर्निंग, आई थिंक आपको मजा आया होगा, और इस सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।